मैं तो इन लोगों को चुप करा रहा था। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्ज़िम अकबर वलदासगर हाजिर हो। योर ऑनर, मेरे वकील ने हर पेशी पर ये बार बार कही है कि इसने अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते को डंडे से मारा था। अब वो मर गया तो इसमें मेरे मौकिल का क्या कसूर है? बल्कि वो खूंखार कुत्ता अगर मेरे मौकिल को काट लेता तो उसे पेट में 14 टीके लगवाने पड़ते। इन सब का जिम्मेदार कौन होता? बताइए जैसा अब कौन होता? योर ऑनर, मोहतरम वकील साहबा अपने मौकिल को बचाने के लिए सब कहानी बना रही हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि जो कुत्ता मरा बहुत मौजस था। नहीं 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 नहीं, जज साहब, मेरे कहने का मकसद है कि जो कुत्ता मरा है वो बहुत कीमती और मौजस तरीन शख्सियत का था। मैं यहाँ अदालत में अपना गवाह पेश करना चाहता हूँ। पेश किया जाए। गवाह हाजिर हो। जज साहब, जज साहब। मैं जज नहीं हूँ, जज हूँ जज। जज साहब, जज साहब, मेरे कोई गुनाहगारों को से इस शख्स को बेदर्दी और बेरहमी से कुत्ते को डंडे से मारते हुए देखा था। जज साहब, मैं आपको कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ। पेश किए जाएं। जज साहब, ये देखिए आलाए कत्ल और मरे हुए कुत्ते की तस्वीरें। जज साहब, अब आपने सुन और देख भी लिया है, इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस जुर्म के लिए इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दें। जज साहब, मैं यहाँ पे सफाई पेश करना चाहता हूँ। पेश की जाए। ये तुम क्या कर रहे हो? अदालत में ऐसी सफाई करनी जरूरत नहीं होती। ऐसे फजूल हरकतें करने में अदालत का वक्त जाया ना किया जाए। तमाम गवाहों और शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम अकबर वल असगर ने एक मुअज्जज शख्स के कुत्ते को बेदर्दी से कत्ल किया। इसलिए अदालत इस मुलजिम को 100/100 जानवरों के कत्ल के अर्ज के तहत 10 साल कैद बमुशक्कत।